आज मैं फिर एक बार राजगुरु क्लासेस में उपस्थित हूं। कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। वो कल टॉपिक पूरा हो नहीं पाया था, आज उस टॉपिक को पूरा करेंगे। कल आप लोगों ने देखा था प्रकाश के गुण में पहला पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसका एक्सप्लेनेशन किए थे। क्यों चलता है उसका एक्सप्लेनेशन भी हुआ। आज उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन देखिए। सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को तरंग माना। प्रकाश एक तरंग ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दीप्त वस्तु से जो प्रकाश निकलता है वह तरंगों के रूप में निकलता है, अर्थात चारों तरफ ऊर्जा के रूप में फैलता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो आप लोगों को मालूम होगा फार्मूला, जो एनर्जी है इक्वल टू होता है h𝛎, और E बराबर हो जाएगा, न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। तो E बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। तो इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए, यदि लैम्डा का मान कम होगा तो एनर्जी का मान बहुत ज्यादा होगा। लैम्डा का मान बहुत कम होगा क्योंकि आप देख रहे हैं ये इसका क्या रेसिप्रोकल है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, और लैम्डा घटेगा तो ई का मान बढ़ जाएगा। तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी कब? जब लैम्डा का मान क्या होगा? कम। और एनर्जी ज्यादा होगी तो यह किस कैसा चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। तो अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखना है, कहीं मान लीजिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ गया, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है? पहला ऑप्शन दे दिया गया कि इनकी गति ऊर्जा अधिक होती है, या दूसरा ऑप्शन दे दिया गया कि इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, या तीसरा ऑप्शन दे दिया गया इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पर टिक लगाएंगे कि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है इसलिए इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और वह किस रूप में चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, सीधी रेखा में क्यों चलता है, वो तो लगता ही है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं आ जाएगा तो आप क्या दिखाएंगे कि लैम्डा का मान बहुत कम होता है इसलिए वह क्या है? सीधी रेखा में चलता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट अब देखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तीसरा क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जरा सोचिए निर्वात क्या होता है? निर प्लस वायु प्लस तत्व, जहां न पानी हो न वायु हो और न तत्व, मतलब कुछ भी ना हो, उसे कहते क्या है? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां से कंपेटिव क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? ये क्वेश्चन है, जीएस में भी आता है, कंपेटिव क्वेश्चन में भी बनता है। प्रकाश की चाल की खोज किसने किया है? रीमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? रीमर नामक वैज्ञानिक ने
प्रकाश की चाल की खोज की। किसकी सहायता से? बृहस्पति ग्रह के, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमिड की सहायता से ज्ञात किया। अगर आपसे कोई पूछे निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है तो क्या बताओगे? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसकी चाल की खोज किसने किया है? रीमर नामक वैज्ञानिक ने। और पूछा जाए किससे किया तो बताओगे बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमिड की सहायता से। तो यहां पे आपको कई क्वेश्चन बनते हैं, सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो क्या बताओगे? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए तो क्या बताओगे? गैनीमिड। या आपसे एक पूछ लिया जाए बृहस्पति ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह बताइए तो क्या बताओगे? गैनीमिड बताओगे। तो हमको 3 कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। चौथा क्या है? प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण आदि की घटनाएं पाई जाती हैं। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण आदि की घटनाएं पाई जाती हैं। पांचवा है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 39 स्वैंगस्ट्राम से 78 स्वैंगस्ट्राम तक होती है। कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 39 स्वैंगस्ट्राम से लेकर कहां तक? 78 स्वैंगस्ट्राम तक होती है। अब न्यू ये आपको समझ में आया, अगर कहीं कॉन्सेप्ट दिया जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है तो चारों ऑप्शन में अगर आपको कहीं दिखे लैम्डा बहुत कम होगा तो क्या होगा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। निर्वात प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस चाल की खोज किसने की थी आपको ये भी मैंने बता रखा है। तो ये सब क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीएस में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हम यूपी हम ये सिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और कम्पिटिटिव में कैसे पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा। अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। जरा सोचिए प्रकाश की किरण शब्द आ गया, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये शब्द प्रकाश के पथ के लिए प्रयोग किया जाए, वह पद जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है वो क्या होता है? प्रकाश की किरण होता है। तो प्रकाश के पथ के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। तो देखे हैं आप लोग, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में, होमोजीनियस मीडियम में, किसी एक निश्चित बिंदु से किसी दूसरे निश्चित बिंदु तक रिजरेखीय मार्ग में क्या करता है? गमन करता है, क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में किसी एक निश्चित बिंदु से किसी दूसरे निश्चित बिंदु तक रिजरेखीय मार्ग में गमन करता है क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण। अच्छा आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है सिंबल किसका? प्रकाश की किरण। तो ये चीज जो प्रयोग किया गया है ये इसका क्या है? ये एनर्जी को शो कर रहा है, ये इतना। अगर ये और बढ़ा दोगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। तो प्रकाश के पथ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की किरण का। एक दूसरा परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा इसका उवार करके। ये एक शांत जल में जब पत्थर फेंका जाता है तो आप देखते हैं ऊपर से देखते हैं तो आपको ऐसे देखा मिलता है। ये चीज आपको कैसे दिख रही है? तरंग के रूप में दिख रही है, वेव के फॉर्म में। तो ये आप देख रहे हैं क्या है? फ्रंट है किसका? है
वेव का, इसे कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट, तरंगाग्र कहते हैं। यह है तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते रहते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा बहुत बोर्ड पेपर में पूछी जाती है, तो क्या बताओगे? किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते रहते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को, किसके? तरंगाग्र की, क्या? लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण की परिभाषा एक सिंपल तरीके से बन गई। क्या बताओगे? तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यहां पर एक कंपटीटिव क्वेश्चन बना, तरंगाग्र और प्रकाश किरण के बीच कितने एंगल बन रहे हैं? देखिए, इनके बीच एंगल जो बनता है कितना है? 90 डिग्री है। अर्थात यहां पे क्वेश्चन बनता है, तरंगाग्र और प्रकाश किरण के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? तो आप क्या आंसर देंगे? 90 डिग्री। प्रकाश की किरण और तरंगाग्र के बीच 90 अंश का कोण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीम ऑफ लाइट, प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। मैं सभी प्यारे बच्चों से कहना चाह रहा हूं कि मेरे इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह और बढ़ सके और मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आपके जीवन में आने वाली कंपटीशन पेपर में आपको सहायता मिले। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। और किसका समूह? प्रकाश किरण का, मतलब कलेक्शन ऑफ लाइट आर नोन एज बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो पुंज का मतलब आप लोगों को समूह समझ में आ गया होगा, पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। और किसका समूह? प्रकाश किरणों का। अगर प्रकाश किरणों का समूह जो बन रहा है उसे कहते क्या है? प्रकाश किरण पुंज, कलेक्शन ऑफ लाइट आर नोन एज बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। पहला, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और दूसरा क्या है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। पहला हो गया अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा हो गया अपसारी प्रकाश किरण पुंज, तीसरा हो गया समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसे कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो देखिए, अभिसारी क्या होता है? पहला पॉइंट, जब प्रकाश की किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर केंद्रित तो होती हैं, ये देखिए ये वो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर सभी प्रकाश किरणें आकर क्या हो रही हैं? एकत्रित हो रही हैं। तो इन्हीं प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे?
अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दूसरा क्या है, यदि प्रकाश किरण एक बिंदु से क्या हो जाती हो, देख रहे जा रही है, एक बिंदु से जाती हुई क्या हो रही प्रतीत हो रही है या एक बिंदु से जाती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है, जब प्रकाश किरण एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के समांतर हो, यदि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये कैसा प्रकाश किरण पुंज है, अभिसारी, क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण इसी एक निश्चित बिंदु पर आकर क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है, और ये क्या है, एक दूसरे क्या हो रही जा रही है, इसे क्या कहते हैं, अपसारी, और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। आइए अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने बुक में लिख लीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो सेंड करे अपना क्वेश्चन, उसका सलूशन मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007755613, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 1, क्या कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, प्रकाश की चाल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, प्रकाश की चाल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, प्रकाश की चाल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। पांचवा क्वेश्चन, तरंगाग्र एवं प्रकाश की किरण के बीच कितने अंश का कोण होता है। अब आप लोगों से मैं आशा करूंगा कि आप लोग इन पांच
क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन का उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, तो नोटबुक आप लोग बनाए हुए हैं, और जिसको इसमें से कोई दिक्कत हो इन 5 क्वेश्चन में से, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007775613। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा और उत्साह बढ़ सके। कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना है।